बाइबल में बहुत सारे समय में बहुत सारे नामों के बारे में हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज हम प्रभु के नाम के बारे में जानेंगे, जो उसका नाम का वर्णन किस बार किया गया है, किस तरह हमारे सामने आया है। अगर हम यूनानी भाषाओं में देखेंगे, हिब्रू लैंग्वेज में देखेंगे, तो उसका जो अनुवाद किया गया है आज हम वो देखने जा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उसका नाम अनंत परमेश्वर है। हम वचन में देखते हैं, वचन हमको साफ साफ कहता है कि ही इज़ द ऑलमाइटी गॉड बोल के। अगर हम जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 1 में देखेंगे तो वहाँ साफ साफ हमको देखने को मिलता है यही नाम के बारे में, जो कि ईश्वर जो पर्याप्त परमेश्वर है, वो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, उसका नाम एल सडाई बोल के वहाँ बोला गया है। अगर हिब्रू लैंग्वेज में देखेंगे, उसको जो ट्रांसलेट किया गया है हिब्रू लैंग्वेज में, उसको एल सडाई बोल के बोला जाता है। अगर हम देखें तो बोला जाता है परमेश्वर हमारा खुदा है, द लॉर्ड आवर गॉड, और उसको अगर हिब्रू लैंग्वेज में देखेंगे तो बोला गया है इलोहुनु। अगर उसका वचन में हम देखेंगे तो साम नंबर 99 वर्स 5 में उसको देखने को मिलता है। अगर हम देखें तो उसको सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी कह सकते हैं, उसको जो नाम दिया गया है ऑल माइटी गॉड बोल के हम बोलते हैं, और वचन में भी यही बोला गया है। आइजा चैप्टर 9 वर्स 6 एंड 7 अगर पढ़ेंगे तो वहाँ साफ साफ हमको देखने को मिलता है, जो हिब्रू लैंग्वेज का जो भाषा हमको यहाँ दिखाई दे रहा है, जो इल गिबोर कहलाता है। और जब हम दूसरा नाम देखते हैं, जो लॉर्ड आवर होस्ट बोल के बोला गया है, जो कि वचन में भी हम बोल सकते हैं, देख सकते हैं, जो कि पहला सामुएल उसका चैप्टर 1 वर्स 3 में हमको देखने को मिलता है, जो कि साबाथो बोल के वहाँ लिखा गया है। और जब हम अनंतकालीन पिता का बात करते हैं, हमारे सामने और एक नाम आता है, जो कि एवरलास्टिंग लॉर्ड बोल के बोला जाता है। अगर हम जेनेसिस चैप्टर 21 वर्स 33 पढ़ेंगे तो वहाँ एलोलाम बोल के एक नाम आता है, जो कि हिब्रू लैंग्वेज का नाम आता है। और जब हमारा धार्मिक परमेश्वर का बात करते हैं तो उसका नाम भी हमको यहाँ देखने को मिलता है, जो कि द लॉर्ड आवर राइचियसनेस हम देख सकते हैं, जो कि यरमिया चैप्टर 23 वर्स 6 में लिखा गया है। कि हिब्रू लैंग्वेज का अगर ट्रांसलेट हम देखेंगे तो यहाँ बोला गया है देखेनु बोल के। और जब हम चंगाई देने वाला परमेश्वर का बात करते हैं, उसका नाम भी हम देख सकते हैं, जो लॉर्ड आवर हीलर बोल के हम जानते हैं, जो कि एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 26 में देखेंगे तो लॉर्ड आवर हीलर को यहोवा राफा बोल के बोला जाता है। और जब हम सामर्थ्य परमेश्वर का बात करते हैं, जो कि सोवरिंग गॉड कहलाता है, जो कि 59 में हमको मिलता है देखने को लिए, जेनेसिस चैप्टर 59 में अगर हम देखें तो सोवरिंग गॉड के बारे में लिखा गया है, और उसको मास्टर भी हम कह सकते हैं, और उसका अगर हिब्रू का अनुवाद देखें तो उसको एडोनाई बोल के बोला जाता है। और जब हम ऊंचे परमेश्वर का बात करते हैं, हायर गॉड के बारे में बात करते हैं, उसको हिब्रू लैंग्वेज में एलियोन कहा जाता है, जो कि जेनेसिस चैप्टर 14 वर्स 18 में पढ़ेंगे तो वहाँ साफ साफ हमको देखने को मिलेगा कि परमेश्वर का एक दूसरा नाम वहाँ हमको स्थापित करके दिखाई दे रहा है। और जब हम बोलते हैं कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, तब हमको ये सामने आता है द लॉर्ड इज माय शेफर्ड। और यहाँ हमको एक वर्स मिलता है, जो कि साम नंबर 23 वर्स 1 में हमको साफ साफ देखने को ये चीज़ मिलता है। और हिब्रू लैंग्वेज में अगर हम देखें तो उसको यहोवा रोही बोल के बोला जाता है, जो कि वो हमारे साथ एक चरवाहा की तरह रहता है। और जब हम देखते हैं परमेश्वर हमारा खुदा है बोल के बोला गया है, तो लॉर्ड आवर गॉड बोला गया है, तो एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 2 5 एंड 7 जब हम पढ़ते हैं तो वहां साफ-साफ हमको मिलता है देखने को कि वही यूनानी शब्द का जो अनुवाद किया गया है, उसको एलोहिका नाम दिया गया। और जब हम देने वाला परमेश्वर का बात करते हैं, तो हम सभी को पता है कि परमेश्वर हमको देता है, द लॉर्ड इज प्रोवाइडर बोल के बोला जाता है, जो कि जेनेसिस चैप्टर 14 में हम पढ़ेंगे तो साफ साफ हमको देखने को मिलेगा कि यहोवा जायरा बोल के लिखा गया है, यहोवा जीरी बोल के बोला जाता है, और वो हमको हर वक्त सभी चीज़ों को देता रहता है। और जब हम सृष्टि रचयिता का बात करते हैं, तो वहाँ नाम दिया गया है इटरनल क्रिएटर बोला जाता है, जो कि जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 में अगर पढ़ेंगे तो साफ साफ हमको देखने को मिलता है एक नया नाम वहाँ आता है, जो कि एलोहिम बोला जाता है। और जब हमको रक्षा करने वाला के बारे में सोचते हैं, उसका नाम अगर देखेंगे तो लॉर्ड इज माय बैनर बोल के बोला जाता है, जो कि एक्सोडस चैप्टर 17 वर्स 15 में हमको साफ साफ देखने को मिलता है, और उसको यूनानी शब्द में हिब्रू लैंग्वेज में अगर देखें तो यहोवा निस्सी बोला गया है, और वो नाम में ताकत और संयम होता है। मेरे अजीजों, हमें शांति देने वाला परमेश्वर अगर हम देखें तो उसको बोला जाता है द लॉर्ड आवर पीस। अगर हम जोजेस चैप्टर 6 पढ़ेंगे तो वहाँ साफ साफ हमको देखने को मिलेगा कि यहोवा शालोम बोल के लिखा होगा, और यहोवा शालोम का मतलब हमको शांति देने वाला, लॉर्ड आवर पीस बोला गया है।
और परमेश्वर जो अनंतकालीन परमेश्वर है वो हर वक्त हमारे साथ मौजूद रहता है। अगर हम उसका अनुवाद देखें तो उसको भी बोला जाता है लॉर्ड इज़ हियर बोल के, लॉर्ड इज़ देयर बोल के बोला जाता है। और उसका वचन अगर देखेंगे तो इज़ेकियल चैप्टर 48 वर्स 35 में अगर पढ़ेंगे तो वहाँ साफ साफ लिखा गया है कि यहोवा साम्मा बोल के हमको मिलता है देखने को। और हमारा पवित्र परमेश्वर के बारे में जब बात करते हैं वो हमको पवित्र करने का सक्षम रखता है। और उसको अगर देखें तो अनुवाद में लॉर्ड आवर सेंटिफाई बोल के बोला गया है। और बच्चन हमको ये बोलता है लेविटिकस चैप्टर 20 वर्स 6 एंड 7 पढ़ेंगे तो वहाँ साफ साफ लिखा होता है कि द मेथोडिस बोल के वहाँ नाम उच्चारण किया गया है जो कि हिब्रू लैंग्वेज से आया है। और हिब्रू लैंग्वेज में मेथोडिस कैन बोल के बोला जाता है। और जब हम जेलस गॉड की बात करते हैं प्रभु हमसे क्रोध भी करता है जब हम दुष्टता में जाते हैं। और उसको अगर हम देखें तो डिटोनोमी चैप्टर 6 वर्स 15 में लिखा है कि हम एक जेलस गॉड का नेचर भी हम देख सकते हैं जिसको हिब्रू लैंग्वेज में बोल के भी बोला गया है।